नमस्कार दोस्तों, फिटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। फिर से राजस्थान की तरफ से एक संशोधित एग्जाम डेट जारी किया गया। पता नहीं राजस्थान सरकार क्या चाहती है, एक एग्जाम डेट संशोधित फिर संशोधित। इससे तो वहां के छात्रों को दिक्कत नहीं है, लेकिन जो छात्र अदर स्टेट से आ रहे एग्जाम देने, उनको मान लीजिए कि पहले से अगर टिकट बुक नहीं करेंगे, अगर कर लिए होंगे तो भी उनका नुकसान जा रहा है, अगर एग्जाम के पहले टिकट बुक करेंगे तो भी उनके साथ दिक्कत होने वाला है। तो समझ जाइए, अब हम वहां के जो ये जो चेयरमैन साहब है आलोक राज जी, वो ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं, तो उनसे ही पूछना पड़ेगा, उनसे ही कमेंट कीजिए कि सर क्या इस डेट पे भी परीक्षा हो जाएगा कि इसके भी बाद चेंज होने वाला है, क्या किया जाए, इसको कंफर्म माना जाए कि नहीं माना जाए। क्योंकि इसमें भी लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा दिनांक कितना अभी संभावित लिखा गया है, फिर चेंज होगा क्या, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन देखिए क्या होता है। और रिजल्ट का टेंटेटिव है तो खैर कोई बात नहीं, रिजल्ट 4 दिन बाद आए, 4-5 दिन या 10 दिन का अंतर होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम डेट, और रही बात एग्जाम के लिए समय बहुत कम है, क्या है एग्जाम के लिए समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी समय है, फिर भी आपके पास समय है। लगभग जितना भी एग्जाम है, हम थोड़ा सा एग्जाम को पहले देख ले, उसके बाद कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। एग्जाम है अभी फिलहाल वाला, तो बाकी तो सब 25 में है, 25 से स्टार्टिंग में हो रहा है, तो 24 के पहले मात्र 10 एग्जाम है, तो इनमें भी फेरबदल करने की क्या जरूरत है, जो बाद है उनको आगे पीछे कर लेते हैं। तो अब चलिए, जो हो गया सो डेट तो चेंज हो गया है। ये नोटिस, हम नोटिस के बारे में बात कर ले, RSSB की तरफ से जारी किया गया है नोटिस, आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा वहां देखने के लिए। कब जारी किया गया है, 24/10/2024 को जारी कर दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि संशोधित परीक्षा कैलेंडर समय सारणी वर्ष 2024-25, 25-26 सभी का एक साथ जो है वो जारी कर दिया गया है। तो हम बात करेंगे अनुदेशक वाले एग्जाम का, कि अनुदेशक क्या है, और जितने भी हमारे फीटर के साथी जुड़े हुए हैं, फीटर के साथी जुड़े हैं, टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, अंतिम मौका है, क्योंकि आपको भी पता है बिहार में लगभग कैंडिडेट का पद फिक्स हो चुका है, किनका किनका होने वाला है, झारखंड में ज्वाइनिंग करा दी है, और उत्तर प्रदेश में भी लगभग कैंडिडेट को पता है कि किनका किनका होने वाला है। तो जिनको तैयारी करना हो, टेस्ट सीरीज मात्र अभी तो 99 का मिलेगा, लेकिन कल से आपको 79 में अवेलेबल हो जाएगा। तो जो लोग टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड कर ले, वन टेस्ट आपको, वन टेस्ट फ्री भी है फिटर टेट के लिए, वन टेस्ट फ्री भी है ना, वन टेस्ट आपको फ्री में भी मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं और अपना चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर वगैरह क्या आ रहा है। तो चलते हैं डेट वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है जूनियर इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल डीजल का कब है, 16/11/2024 को है, और रिजल्ट 23/3/2025 तक इनका रिजल्ट भी संभावित है। जूनियर इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर लैब का कब है, 16/11 इनका भी रखा गया है। एक दिन में दो पेपर हो रहा है ना, एक दिन में दो पेपर हो रहा है। अब यहां से देख ले, जूनियर इंस्ट्रक्टर इम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या कब है, तो 18 को है, 18/11/2024 को है। वही हम बात करें जूनियर इंस्ट्रक्टर RAC वालों का कब है, तो RAC का है 18/11/24 को है। और व्हाट्सएप कैलकुलेशन का कब है, तो 19 को है, 19/11/24। और इलेक्ट्रीशियन, जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन का भी 19/11 को ही रखा गया है। तो फीटर का कब है, फीटर का बस इसके अगले दिन है, चलिए देख लेते हैं फीटर का कब है, फीटर का भी सामने आ गया यहाँ से। तो जूनियर इंजीनियरिंग ड्राइंग और फीटर का दोनों एक ही दिन है, 20/11/24। अब हो सके तो दो शिफ्ट में होने की उम्मीद है, कि एक बार पहले दिया है तो हो सके तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग हो जाए और सेकंड शिफ्ट में फिटर हो जाए, ऐसा उम्मीद लगा सकते हैं। वैसे देखिए कौन पहले हो जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग होने की ही उम्मीद है, दोनों की आप जो लोग दो फॉर्म भरे होंगे दोनों में, वो दोनों की आप तैयारी करके जरूर जाए। बाकी भी आगे है, तो आगे के लिए आप PDF मिल जाएगा, PDF आप देख ले। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, टेलीग्राम का ग्रुप, व्हाट्सएप से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।